my time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check, yes. Cause I done seen the time go by for too many years now, when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life. हेलो एवरीवन, इस बाइक को चैनल पे लाने का एक मेन रीजन है, और ये पहले तो बता दूँ जिक्सर 150 है। इसमें एक सरप्राइज छुपा है वो दिखाता हूँ आपको। तो आगे देख सकते हो इसमें USD दिख रहे हैं अपसाइड डाउन फोक्स। तो ऐसा कैसे हुआ ये बताता हूँ आपको। तो एक्चुअली ये सस्पेंशन चेंज नहीं हुए हैं, ये थोड़ा सा एक छलावा कह सकते हैं इसको, और लुक इन्हेंसमेंट कह सकते हो इसको। तो ये खुद से करा हुआ है, और जिस बंदे की बाइक है मैंने उससे पूछा तो इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। तो ये थोड़ी सी रबर लगी है काट के, और ये बेसिकली नीचे वाला पार्ट है जो नॉर्मल बाइक्स में होता है, जो बेसिक सस्पेंशन होते हैं जैसे कि RS के हैं, जिक्सर 150 के। और ऊपर आपको जहाँ तक देख सकते हो, तो ऊपर आप देख सकते हो रॉड दिख रही है आपको। तो ये समझ लो कि ये रैप हुआ है, और इस वजह से ऐसा लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। तो मैंने कहा ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करें। उसके बाद बाइक पे भी थोड़ा बहुत रैप हुआ हुआ है, आप स्टिकर्स देख सकते हो, रिम देख सकते हो, एंड ये सारी चीज़ खुद से करी गई है। इवन छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान दिया गया है, जैसे कि आप ये वाला ब्रेक वायर देख सकते हो, या सॉरी ABS वायर है ये, और ABS वायर को भी रैप कर दिया गया है सेम नियॉन से। और ये व्हील्स पे, एक व्हील्स पे एक्चुअली 4 बॉटल पेंट लगा है। पहले वाइट किए गए हैं व्हील्स, उसके बाद ये नियॉन वाला कलर आया अच्छे से खिल के, उसके ऊपर से नियॉन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक में हुई। ऑलरेडी मैंने ये बाइक चला रखी है, और जिसने इस बाइक के परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं देखे, आई बटन में डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ जाके देख सकते हो परफॉर्मेंस टेस्ट सारे। हमने R15 के साथ भी कंपेयर किया है इसको। तो उसके बाद एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगी, कि जो सारे स्टिकर्स थे बाइक के, जितने भी स्टिकर्स बॉडी पे थे, वो सारे सेम नियॉन कलर में हो गए हैं। तो यहाँ पे आप स्टिकर देख सकते हो, GSX-R का लिखा है, स्टिकर लगा है मतलब, और उसका टैंक पैड भी नियॉन है। उसके बाद यहाँ पे भी स्टिकर GSX-R का नियॉन कलर में, और यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग नियॉन कलर में। तो कुछ चीज़ें और हुई हैं आगे, जैसे कि आपने ये वाली विंडशील्ड देखी, R15 V3 के लिए बबल वाइजर आता है, इसको साइड से कट किया गया है जिससे ये परफेक्टली फिट बैठ जाए, जिसको स्टॉक विंडशील्ड में स्क्रू किया गया है। और सच में ये कमी थी इस बाइक में स्टार्टिंग में, कि इसकी जो विंडशील्ड थी स्टॉक वो बहुत छोटी थी। तो इससे डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है ये। और इसको अगर आप चलाएंगे, टक इन करते हो आप, तो अब थोड़ा इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा, बिकॉज पहले की जो विंडशील्ड होती है स्टॉक वाली, वो इतनी छोटी सी होती है कि कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता बाइक पे परफॉर्मेंस में। और उसके बाद जो रियल वाली GSX-R आती है, वैसा आगे विनाइल रैप किया गया है, मल्टीपल लेयर्स चढ़ाई गई हैं जिससे लाइट उतनी ही दिखे, तो रात में भी लाइट दिखती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। तो अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको चला के देखते हैं, देखते हैं कि जो विंडशील्ड ऐड की है, जो सुजुकी को खुद से करनी चाहिए थी, एक विंडशील्ड थोड़ी बड़ी देनी चाहिए, अगर आप फेयर्ड बाइक बना रहे हो तो विंडशील्ड ऐसी होनी चाहिए जो आपके थोड़ा काम भी आए, यूज़फुल हो। तो देखते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ा। तो अभी इसको चला के देखते हैं, देखते हैं कि ये विंडशील्ड कितना यूज़फुल है, और क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं एरोडायनेमिक में इसके, बिकॉज सुजुकी से मेरी यही एक कंप्लेंट थी इस बाइक में। तो एक चीज़ तो इंस्टेंटली कहना चाहूँगा कि हाँ, अंतर ज़रूर पड़ा है, बिकॉज ये इतनी सी भी विंडशील्ड है, पता है जब आप कोई भी विंडशील्ड यूज़ करते हो, मतलब हाफ हाइट की भी होती है, तो उसके बाद भी वो काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। किसी ने अगर विंड टेस्टिंग देखी होगी बाइक्स की, जैसे पानी गैली V4 आप डालना यूट्यूब पे, मिल जाएगा आपको पानी गैली V4 विंड टनल टेस्टिंग, या और भी बाइक्स देख सकते हो, KTM की बड़ी बाइक्स होती हैं, एंड तो ये सब जो डिज़ाइन होते हैं, ये सब ऐसे ही टेस्ट किए जाते हैं एरोडायनेमिक के बेसिस। तो सुजुकी को क्या करना था, जब उसने जिक्सर निकाली थी स्टॉक जिक्सर में, उनको विंडशील्ड ही बड़ी कर देनी। इससे क्या होता, एक तो पहली चीज़ आपका लुक एनहेंसमेंट होता, दूसरी चीज़ तो अगर आप एक फेयर बाइक बना रहे हो और उसमें आगे ये वाइजर नहीं रहेगा, विंड वाइजर नहीं रहेगा, तो सच में फेयरिंग का मुझे लगता है 60% तो फ़ायदा ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस मॉडिफिकेशन के मतलब साथ हूँ, मतलब मैं इस मॉडिफिकेशन का साथ दूंगा, कि अगर आपके पास जिक्सर है तो ये चीज़ कर सकते हो गाड़ी को थोड़ा और एरोडायनेमिक बनाने के लिए। और डेफिनेटली अभी एक बार टक इन करके देखता हूँ मैं, पीछे रास्ता क्लियर है, इंडिकेटर देके मुड़ेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा सा रेफ करेंगे, मतलब भगा के देखेंगे।
और हाँ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। इस वाली विंडशील्ड वाले मॉडिफिकेशन के लिए थम्स अप है यार, अच्छा काम किया इस बाइक में। और जो सुजुकी को करना चाहिए वो सुजुकी के क्या कहते हैं कस्टमर्स कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बट सुजुकी भी अच्छा ब्रांड है बिकॉज धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं सुजुकी में भी, तो ये सब चीज़ें भी टाइम के साथ हो जाएंगी और सही है। और इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो बजाज को करना चाहिए। बजाज बहुत कम चीज़ें चेंज कर रहा है, अपनी नई बाइक्स निकालता जा रहा है, थोड़े बहुत अपग्रेड्स देने चाहिए जिससे नयापन बना रहेगा। और अगर आप एक डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा एग्जॉस्ट चेंज करो, कुछ चेंज करो, चीज़ें चेंज करो, एग्जॉस्ट थोड़ा और बैफी कर दो, बल्की कर दो, थोड़ा लुक आए RS का, और थोड़ी चीज़ें और आपको चेंज करनी चाहिए। हालांकि इन्होंने RS की जो ग्राफाइट ब्लैक वाली RS आई थी उसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बट जो वाइट ब्लू ये सब वाले ग्राफिक्स उतने सही नहीं लगे। बाकी जो ग्राफाइट ब्लैक था वो काफ़ी कूल लगा था, डेमन ब्लैक कूल लगा था मुझे। और खैर ब्लैक से तो अलग ही प्यार है थोड़ा अपने को। एंड या तो प्लेन RS देख लो रेड, अगर मैं अपनी रेड कर दूँ बहुत सही लगती है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एक ब्लॉग था, मैंने बस आपको वो अपसाइड डाउन फोक्स वाला जो छलावा है उसके लिए मतलब मैंने कहा कि ये ब्लॉग बनाते हैं बिकॉज मेरे पास इमेज आई व्हाट्सएप पे। मैंने कहा भाई USD फोक्स और जिक्सर ये 150 है ना, तो कह रहा हाँ। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने चेंज किया है क्या हो, तो कह रहा था नहीं भाई। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहा है भाई रैप। मैंने कहा रैप कैसे हो सकता है, मैं दिमाग ही नहीं लगाया उतना कि भाई रैप, बिकॉज नॉर्मल फोक्स में क्या होता है नीचे मेन पार्ट होता है जिसमें सस्पेंशन आपके डिप करते हैं बेसिकली, तो ये चीज़ आप अपनी बाइक में भी कर सकते हो, थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा। अदर देन दैट अगर आपको USD फोक्स लगाने तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। झंपा भाई का वीडियो देखा था मैंने, काफ़ी टेक्निकल है। कि आपने बाइक देखी ली, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और आगे वाला ये जुगाड़ भी बताना कैसा लगा। इसको और भी लोग जैसे RS हो गई और R15 हो गई जिसमें USD फोक्स नहीं आते हैं, वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले पर फॉलो कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।